गंज गुरुद्वारे के पिछले हिस्से में बने स्टोर की जाली को तोड़कर बीती रात चोरों ने सेंधमारी कर दानपात्र से हजारों रुपए की नकदी चुरा ली। दानपात्र को गत 29 सितंबर को आखिरी बार खोला गया था। लगभग 15,000 की दान राशि चोरी होने का अनुमान है। चोरी होने का खुलासा सुबह 5:30 बजे गुरुद्वारे के सेवाधारी श्रवण सिंह के द्वारा गुरुद्वारा खोलने पर हुआ। गुरुद्वारा कमेटी के दिलीप सिंह छाबड़ा द्वारा गंज थाने में चोरी का मुकदमा दर्ज करा दिया गया। आज सुबह जब हमारे सेवादार श्रवण सिंह गुरुद्वारे में आए, उन्होंने ताला खोला तो उनकी निगाह सामने पड़ी गोलक पर, देखा तो गोलक कटी हुई थी। तो उन्होंने तुरंत प्रधान साहब को इन्फॉर्म किया, गांधी साहब को, तो आए और आकर के पुलिस को बुलाया गया। देखा तो पीछे जाली तोड़ करके चोर अंदर घुसे थे और गोलक के अंदर जो पैसा था सारा समेट के चले गए। और यहाँ पर जो चोर आए थे उनकी एक जैकेट मिली, यहाँ पर नीले रंग की जैकेट मिली, लेकिन मालूम नहीं पड़ा अभी तक कि वो चोर कौन थे। गुरुद्वारे तरफ से FIR लिखा दी गई है, अब कार्रवाई पुलिस को करनी है। लोहा खान प्रतापनगर माता मंदिर के पास रहने वाले हरि रावत के घर से पिछले दिनों एक महिला ने बहला फुसलाकर लालच देते हुए ग्रामीण महिलाओं को अपने जाल में फंसाकर सोने चांदी के गहने ठग लिए और फरार हो गई। महिलाओं ने पुलिस को भी घटना की जानकारी देकर मामला दर्ज करने और आरोपी महिला को पकड़ने की गुहार लगाई, लेकिन पुलिस ने नसीहत देकर पल्ला छाड़ लिया। ग्रामीण महिलाओं ने बताया कि एक महिला घरों पर आकर पुराने गहनों की फोटो लेने की बात कहकर लालच देते हुए कुछ आइटम दे गई और लालच में आए ग्रामीणों से चांदी की कनकती, पायजेब, सोने का मंगलसूत्र, कान के बूंदे, पायजेब, बिछुड़ी, रखड़ी आदि ले गई। गहनों की कुल कीमत 3 से 4 लाख रुपए बताई जा रही है। वो मेला आई के वो कोई बाहर देश की औरत थी ना, वो आई, उनको क्या हमने वो केतली दी, केतली दे के फिर वो दूसरे दिन वापिस आई, हमारे को बाल्टी दे गई, बाल्टी देके फिर वो पायजब भी दे गई, फिर वे पता नहीं हमारे को चक्कर हुआ, मेरे को पता ही नहीं पड़ा कि अपने में क्या हो रहा। फिर वो बेबी का रखड़ी भी दे दी, आधा किलो कनकती भी दे दी, उनकी पायजब भी दे दी, बाबर की पूरी पायजब, वो बाल्टी देके गई है उसका बदले में, पायजब दे गई और वो उसके बदले में बाल्टी लेके, वो बोल के गई कि भाई आपको ये जैसे बाल्टी लेके आई हूँ जैसे आपको इनाम मिलेगा और जब चीजें क्या मंगाने चाहते हो आप। तो मैंने बोला भाई मेरे को कुकर ले आना, और वो ना वो पता है ही नहीं कि भाई कहाँ के रहने वाले। पुलिस वाला आके होना ही कौन कर रहा, मेला है ना, 3 दिन हो गया भाग दिन, 10 दिन हो गया भाग दिन, 4 तारीख की बात है तो फिर मेला आके लूट के लेगी तो आज पुलिस वाला कोई थाना होना ही तो करनी चाहे नहीं की गरीब आदमी है।